वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में दो ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो कि पूरी तरह से कहानी को बदल कर रख देंगे। सबसे पहला यहां पर मोड़ आएगा प्रज्ञा की जिंदगी को लेकर। मीरा और अभी की शादी में इनवाइट किया जाने वाला है प्रज्ञा को, और उसके साथ साथ कई सारी और भी कन्फ्यूजन्स यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी प्राची, रणवीर, अभी, प्रज्ञा और रिया के बीच में। लेकिन कैसे, चलिए आपको बताते हैं। वहीं दूसरा भी मोड़ आने वाला है रणवीर और प्राची को लेकर, जिसके बाद में काफी बड़ा यहाँ पर हंगामा क्रिएट होगा। तो चलिए सारी बातें हम आपको बताते हैं कि आखिर में आने वाले एपिसोड में कौन से दो बड़े मोड़ आएंगे। लेकिन उन सभी को बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। आप सबको देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में कि रणवीर अब यहाँ पर प्रज्ञा और प्राची से मिलने नहीं वाला, क्योंकि आपको देखने मिलेगा कि रणवीर की माँ ने उसे रोक दिया है प्राची से मिलने के लिए, और वादा भी ले लिया है। और रणवीर ने यहाँ पर ये सारी बातें समझा दी है प्राची को, जिसके बाद में इस बात का खुलासा प्रज्ञा के सामने बहुत जल्दी होते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एक और नया ट्विस्ट, जहाँ पर प्रज्ञा को बुलाया गया है अभी के द्वारा मिलने के लिए। अभी और प्रज्ञा की मुलाकात होगी। अभी प्रज्ञा से कुछ पुरानी बातें बोल रहा होगा, जिसके बाद में प्रज्ञा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पहले परेशानी में आने वाली है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसके अंदर प्रज्ञा के सामने अभी बोलेगा कि मेरी सगाई है और तुम्हें आना है, और उसके बाद में रिया से जुड़ी हुई कई सारी बातें बोलेगा जो कि प्रज्ञा को पसंद नहीं आएंगी। जिसके बाद में यहां पर अभी को यह फैसला इस वजह से लेना पड़ा कि प्रज्ञा ने उसको यानी उसके बेटी को रिया को पूरी तरह से ऐसा प्यार नहीं दिया जो कि उसे मिलना चाहिए था, जिसके बाद में अब उसके माँ की कमी पूरी करने के लिए मीरा से यहां पर वो सगाई करने जा रहा है। ये सबसे बड़े दो ट्विस्ट हैं जो कि कहानी को पूरी तरह से बदल कर रखने वाले हैं। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना, और एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।